वक्त की ज़रूरत के साथ चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं और इसका असर हमारे कर्मकांडों पर सीधे तौर पर पड़ा है। पितृपक्ष की शुरुआत है और पितृपक्ष के साथ ही ऑनलाइन कर्मकांड करने का एक नया चलन भी शुरू हुआ। हम मौजूद हैं इस समय संगम किनारे, हमारे साथ मौजूद हैं संगम के तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडे जी, उनसे जानते हैं क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से आप बाहर बैठे लोगों का ऑनलाइन संस्कार कराते हैं। जी, सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद कि सनातन को लेकर जिस तरीके से लोगों के अंदर एक उत्साह उत्पन्न हुआ है कोरोना के बाद से, आज उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि तीर्थराज प्रयागराज में ऑनलाइन पूजा भी प्रारंभ है। जैसे कि अभी आप एक देखिए, ये पूजा चल रही है और ये ऑनलाइन पूजा जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो कि ये दो प्रकार से होती है, एक आप लाइव जो है देख सकते हैं, दूसरा आप वीडियो बनाकर भेजा जाता है। तो जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं और अपने पितरों का पिंडदान करना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो उनके पितरों का कर्म जो है पिंडदान यही प्रयागराज में हम लोग करा रहे हैं। पहला प्रयाग में होता है विष्णुमुख, दूसरा पिंडदान काशी में विष्णुनाभि काशी, तीसरा पिंडदान विष्णु चरण गया, ऐसे करके तीनों जगह होके समाप्त होता है पितृपक्ष में। अभी कोरोना के बाद से और जब से केंद्र सरकार आई है, उन्होंने काफ़ी सनातन को मजबूत किया है, इसको देखते हुए जो विदेश में जो लोग हैं जो कि सनातन से थोड़ा सा वो विपरीत हो गए थे, पुनः उनकी वापसी हो रही है और सनातन संस्कृति को अपने दोबारा वो बड़ी मजबूती के साथ निभा रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार पितृपक्ष में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन यहाँ पर पिंडदान बुक करा रहे हैं और अपने पितरों के तिथि पर पिंडदान भी कर रहे हैं। पांडे जी, आपने कहा कि एक प्रक्रिया होती है, दो तरीके से हम उनको ऑनलाइन पिंडदान कराते हैं, प्रक्रिया की शुरुआत कैसे करते हैं, क्या कोई वेबसाइट है वहाँ बुकिंग करते हैं क्या? जी, वेबसाइट है, हमारी खुद की वेबसाइट है और उसके साथ काफ़ी ऐप आ चुके हैं, जैसे कि आप एक ऐप है जस्ट डायल करके है 99 पंडित फॉर पूजा करके है, भगवान जी .com करके है, टेम्पल करके है, ऐसे ऐसे काफ़ी ऐप आ चुके हैं वेबसाइट पर। जी, वेबसाइट है .com करके। जी, तो वो पहले बुकिंग करते हैं। जी, तो वो हम लोगों के से टाई अप करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पिंडदान कराते हैं। और जब पिंडदान की प्रक्रिया होती है तो उसमें दो प्रकार से पिंडदान किए जाते हैं, एक लाइव जो है दिखाकर किया जाता है, दूसरा वीडियो शूट करके किया जाता है। तो जिसकी जैसी डिमांड रहती है उसको वैसा हम लोग व्यवस्था करके देते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि हर जजमान की अपनी अपनी क्षमता होती होगी, जी क्या क्षमता के आधार पर आप लोग उनसे दक्षिणा की बात करते हैं? जी, क्या तरीका होता है? हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, पांचों उंगली बराबर नहीं है। तो जो जितने सामर्थ्यवान रहता है उस हिसाब से अपने माता पिता के लिए वो यहाँ पर करता है और दान भी देता है। अमूमन कितना खर्च लगता है, जैसे कि हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं? अगर देखिए, दान में कोई धर्म या ठेका नहीं होता है, दान अपने श्रद्धा का होता है और अपने विचार का होता है। हम लोग जब भी कर्म कराते हैं तो पुरोहित हैं इसलिए दान मांगते हैं, बाकी जब तक यात्री संतुष्ट नहीं होता ना वो दान देता ना हमसे बात करता है। तो जब वो संतुष्ट होते हैं तो वो बोलते हैं कि पंडित जी हम आपको इतना देंगे, उसके बाद हम लोग कर्म कराते हैं। रिस्पॉन्स कैसा है पंडित जी इसका? रिस्पॉन्स अच्छा है, कोरोना के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है ऑनलाइन पूजा आ रही है और प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे ये पूजा बढ़ती भी जाएगी। अच्छा, त्रिवेणी संगम पर। अच्छा। और अभी तो ये पितृपक्ष का है, अभी कुंभ मेला बाकी है, पूरा प्रयागराज डिजिटलाइट हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो काफी फायदा हम लोगों को मिल रहा है इससे। पिंडदान में एक समस्या आती है ट्रांजेक्शन की, कि जो लोग जजमान हैं जो बाहर से पिंडदान कराना चाहते हैं वो किस तरीके से भुगतान किस तरीके से पांडे जी करते हैं? जी, जैसे ऑनलाइन पूजा होती है तो वैसे ही ऑनलाइन जो है हमारी दक्षिणा भी आती है। जी, तो दक्षिणा आने का कई सारे, जैसे पेटीएम से आ गया जो है, आपके हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, UPI से आ गया, तो अब तो कई विकल्प हैं ऑनलाइन पैसा लेने के। जी, लगभग कितने आपके पास बुकिंग आ चुकी है ऑनलाइन पिंडदान को लेकर? अभी तक हमारी बुकिंग अगर इंडिया में देखिए तो असंख्य संख्या में हम लोग तो पाते ही हर वर्ष ऑनलाइन, मगर ऑनलाइन अगर देखा जाए तो अभी मेरे पास जो 3 लोगों का कंफर्म हो गया है। जी, और अभी 3-4 लोगों से मेरी बात चल रही है। अच्छा अच्छा, मैं आपको कुछ नाम भी बताना चाहूंगा कि जो अभी 3 लोगों से जो मेरा कन्फर्म हुआ है। पहला कन्फर्म मेरा हुआ है, ये ऑनलाइन पूजा करेंगे हॉलैंड से श्री रामकृष्णा जी, मॉरिशस से करेंगे अजय मिश्रा जी और कनाडा से करेंगे रामानंद शिवा कुमार जी।
इन लोग ये लोग अपने माता पिता का कर्म ऑनलाइन करेंगे। अच्छा, तो इन लोगों से फाइनल हो चुका है। फाइनल हो चुका है, बाकी आगे के लिए अगर लगातार एप्लीकेशन आ रही है। हाँ, अभी मैं 4-5 लोगों से वार्ता मेरी चल रही है, उनसे भी कंफर्म हो जाएगा आज शाम तक जो है जी। तो ये जो नया चलन शुरू हुआ है समय के साथ ऑनलाइन पिंडदान कराने का, उसका सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है, और यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज का कहना है कि ये समय की ज़रूरत है, इसलिए लगातार उनके पास पिंडदान कराने के लिए ऑर्डर्स भी आ रहे हैं जो ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।